गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष मित्तल ज्ञान स्थली के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कल रिसर्च के बारे में समझा। हमने कल रिसर्च के जो सिक्स यूनिट यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के सिक्स यूनिट के ए पार्ट का हाफ पार्ट हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने लास्ट क्या छोड़ा था। लास्ट हमने क्या बात की थी कि हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो उसको तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले क्या था, एक्सप्लोरेटरी, जो कि अपने सिलेबस में लिखा हुआ है एक्सप्लोरेटरी, सेकंड एक्सप्लोरेटरी एंड थर्ड डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी रेट, मतलब आपको कल समझाया था मैंने कि रेट जब बात हो रही है, रेटिंग की बात हो रही है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने बात की थी केस स्टडी की, कि केस स्टडी होती है। उसमें हमने बात की थी एथनोग्राफी की, कि एथनोग्राफी क्या होती है। उसमें हमने प्रोजेक्ट टेक्निक्स की बात की थी। सेकंड एक्सप्लोरेटरी के बारे में हमने समझा था कि एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब किसकी बात हो रही है, याद रखना क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब ये कौन सी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की थी। हम इसमें बात करेंगे कॉज एंड इफेक्ट्स हम देखेंगे, उसको आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। थर्ड हमने बात की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने तीन पार्ट्स में कल डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रोथ स्टडी, जिसको हमने फर्दर टू पॉइंट्स में डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। सेकंड हमने उसमें बात की फॉलो अप सर्विसेज, जिसमें आपको बताया कि फॉलो अप सर्विसेज भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की तरह ही होती है। थर्ड ट्रेंड स्टडी, कि हमने कोई न्यू ट्रेंड चल रहे हैं उसके उसमें बारे में कोई स्टडी कर रहे हैं। कल हमने ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, आज हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज अपना जो यूनिट सिक्स का ए पार्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। देखो पहले हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रेटरी। एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेटरी मतलब किसकी बात हो रही है, आपको कल बताया हमें किसकी बात हो रही है, क्वालिटी की। किसकी बात हो रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्वालिटेटिव, ठीक, मतलब इसमें क्वालिटीज। अब देखो आप समझोगे कि अब हम समझते हैं एक्सप्लोरेटरी क्यों होती है, क्यों रिसर्च होती है। न्यू एरिया ऑफ इंक्वायरी, ये आपको कीवर्ड समझना। देखो आपको ना ये कीवर्ड्स या एग्जैक्टली वर्ड भी मिल जाएंगे जो हम लिख रहे हैं, ये वर्ड्स आपको एज इट इज पेपर में मिल सकते हैं। कि अगर आपको आ रहा है न्यू एरिया ऑफ इंक्वायरी, तो आप उस साथ के साथ समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है, एक्सप्लोरेटरी की हो रही है। टू असेस द एक्सटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमिना, एक्सटेंड द पर्टिकुलर फिनोमा, कोई पर्टिकुलर फिनोमिना है। मैंने आपको बताया था फिनोमोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, कि मतलब कोई फिनोमिना, कोई सिचुएशन है जिस पर एक ही फिनोमिना में अलग अलग व्यूज आएंगे, कोई फिनोमिना के एक ही चीज को लेकर अलग अलग व्यूज आएंगे, उसके बारे में उसको असेस करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। और क्या कह सकते हैं, टू जनरेट न्यू आइडिया, टू जनरेट कोई न्यू आइडिया मैंने जनरेट करना है, तो भी ये हो सकता है, ठीक। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वालिटेटिव रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी में याद रखना कि हम जो है डाटा को कलेक्ट करेंगे। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि डाटा कलेक्ट ही नहीं होगा इसमें, डाटा तो कलेक्ट होगा पर इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं आएंगे। ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कोई वैल्यू मिल रही है कि 0.5 10, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मतलब एक्यूरेट इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसमें हम किस किस की बात कर सकते हैं, हमने इसमें बात कर सकते हैं केस स्टडी की। क्या था केस स्टडी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसे बोलते हैं डीप स्टडी। देखो इसमें क्या होता है केस स्टडी में, जो कि एक्सप्लोरेटरी का ही एक पार्ट है। केस स्टडी में क्या है, एक केस लेते हैं, उसके बारे में डिटेल में खुद उस फिनोमिना में जाकर, उस सिचुएशंस में जाकर उसके बारे में डाटा को कलेक्ट किया जाता है कि क्या है, किस तरह से बिहेवियर है, किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, पहले कैसे था अब कैसे है। तो उसके बारे में पूरे का पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट निकाला जाता है उसे कौन सा मेथड बोलते हैं, केस स्टडी। सेकेंड हमने कल बात की थी, किसकी बात की थी, एथनोग्राफी।
एथनोग्राफी, एथनोग्राफी जहां पर एथनोग्राफी की बात हो रही है मतलब किसकी स्टडी की बात कर रहे हैं, कल्चर की स्टडी की बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैंने किसी के कल्चर को समझना है, मतलब मैं मान लूं कि मैंने कोई हिंदी कल्चर, हरियाणवी कल्चर को समझना है, मैंने कोई पंजाबी कल्चर को समझना है, मैंने कोई बंगाली कल्चर को समझना है, तो उस कल्चर में जाकर, उस कल्चर में जाकर वहां पर रहकर लोगों को ऑब्जर्व करना और उस कल्चर के बारे में डाटा कलेक्ट करना, वो कौन सी स्टडी होगी हमारी, एथनोग्राफी, विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी, विच इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी। देखो एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, एक्सप्लेन की बात हो रही है, मतलब ये कौन सी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये कौन सी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव। देखो इसमें हम क्या बात करते हैं, देखो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन किससे डील करते हैं, डील विथ व्हाई एंड हाउ। कैसे क्वेश्चन हमारे यहां पर आते हैं कि कोई व्हाई, व्हाई वाले क्वेश्चंस, हाउ वाले क्वेश्चंस आपको जहां भी मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं, एक्सप्लोरेटरी से, वो किससे रिलेटेड है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च से। इसमें देखो किसी घटना के बारे में कोई चर्चा की जाती है, इसके में इसमें कोई हम घटना के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं, इसमें घटना के बारे में चर्चा की जाती है, मतलब उसमें क्या लिया जाता है, कॉज, कॉज एंड इफेक्ट, इसको देखा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट को इसमें बेसिकली देखा जाता है। इसमें देखो एग्जैक्ट, इसमें हमारे जो रिजल्ट निकलता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट निकलता है, मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसमें हमें प्राप्त हो सकती है। इसमें देखो किसी चीज का किस पर प्रभाव, देखो मैं बात करूं इसमें, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि पोल्यूशन का एनवायरमेंट पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो जो ये रिसर्च होगी ठीक है, तो वो कौन सी होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी या वो कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव होगी। क्वालिटेटिव कौन सी होगी, क्वालिटेटिव मतलब अगर आप क्वालिटी को चेक कर रहे हो, जब आप ऑब्जर्व करोगे, आपको डाटा नहीं मिलेगा, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, केस स्टडी हो गया, एथनोग्राफी हो गया, वो हो गया आपका एक्सप्लोरेटरी। तो ये प्लीज दोनों कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना। इसमें हम बात कर सकते हैं किसकी बात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है, वही बात, कॉज इफेक्ट, इसमें किसकी बात करेंगे, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे इसमें, मैन्यूपुलेट। किसको मैन्यूपुलेट करेंगे हम, इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो आप जब रिसर्च कर रहे हो तब आप उस टाइम आप में प्रेजेंट है, उस टाइम वो चीज प्रेजेंट है, जैसे आईक्यू हो गया आपका ठीक है ना, तो वो चीज क्या होगी, इंटरवीन। कंट्रोल किसको करेंगे हम, कल भी बात बताया था, कंट्रोल किसको करेंगे, कौन से वेरिएबल को, एक्सट्रोनियस, किसको कंट्रोल करेंगे, एक्सट्रोनियस मतलब जो जब आपने स्टडी की तब नहीं प्रेजेंट है, उसके बाद में वो चीज आई, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। किसका इफेक्ट पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, आप जब देखो यूनिट 6 के पार्ट बी को समझोगे तो इससे आपको वो समझने में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि उसमें प्रॉपर टॉपिक है वेरिएबल्स के बारे में। किसका इफेक्ट पड़ेगा, इंडिपेंडेंट का, किस पर पड़ेगा, डिपेंडेंट पर। एक मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कौन सा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेरा प्रभाव किस पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा। अगर मेरी टीचिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे, अगर मेरी टीचिंग बुरी होगी तो आपके स्कोर भी बुरे आएंगे, अगर मैं मोटिवेट नहीं करूंगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मतलब किसका प्रभाव पड़ेगा, इंडिपेंडेंट का। वो सारी स्टडी हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं क्या है, किस तरह से होगा, वो सारा किससे संबंधित है, एक्सप्लोरेटरी से संबंधित है।
नेक्स्ट हम बात करें डिस्क्रिप्टिव, नेक्स्ट हम बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा था, फर्स्ट ग्रोथ स्टडी, ग्रोथ स्टडी को हमने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। फॉलो ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक ही ग्रुप होता है, हमारा ग्रुप एक होता है और हम उसको टाइम टू टाइम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ये नहीं कि मैं एग्जैक्ट की बात कर रहा हूं। देखो अगर मैंने बोला कि मैंने 3 से लेकर 7 साल 5 ईयर्स के स्टूडेंट्स की मैंने रिसर्च करनी है कि इसमें इनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे ये डेवलप करते हैं, कौन से समय में ये क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक बात समझो पहले, अगर मेरा 2 साल का बच्चा तो चलना ना शुरू करे तो मेरे को टेंशन हो जाती है, अगर मेरा बच्चा 3 साल का बोलना शुरू ना करे तो मेरे को टेंशन हो जाती है। क्यों हो जाती है, किसी ने तो ये बताया ही होगा ना आपको कि जी 3 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, 2 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, 2.5 साल का बच्चा ये काम करना शुरू कर देता है। मतलब किसी ने तो ये आपको बताया ही होगा ना, किसी ने तो ये रिसर्च की ही होगी कि कौन से ईयर में बच्चा कौन सी एक्टिविटी करता है। क्लियर, तो उन्होंने कौन सा मेथड दिया, तो उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल मेथड यूज किया होगा या क्रॉस सेक्शनल मेथड यूज किया होगा। तो अभी हम समझते हैं, अगर उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल मेथड यूज किया होगा तो उनकी रिसर्च किस तरह से होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल, 3 ईयर से लेकर 7 ईयर के बच्चे की मैंने रिसर्च करनी है, अगर मैं इस पर लॉन्गिट्यूडनल मेथड यूज कर रहा हूं, इसमें मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, तो मैं क्या करूंगा, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। ठीक, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने एक ग्रुप ले लिया, एक ग्रुप ले लिया मैंने, जो सारा ग्रुप कितने एज का है, 3 साल के बच्चे, मतलब मैंने 3 साल के बच्चों का एक ग्रुप ले लिया। मैं फिर बोल रहा हूं, कई बच्चे ना ये समझते हैं कि 3 साल लिया तो मतलब 3 ही ले सकते हैं, और चाहे आप 10 से 50 ले लो, चाहे आप 5 से 10 ले लो। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात की है 3 से लेकर 7 की। देखो 3 साल के बच्चों का एक ग्रुप ले लिया, अभी एक ही ग्रुप है, उसको अलग अलग टाइम पर, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो कौन सी स्टडी है जिसमें ग्रुप एक है उसको अलग अलग टाइम पीरियड पर उसकी रिसर्च की जाती है, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक, देखो इसमें क्या है, एक ग्रुप है उसकी लगातार स्टडी। अब 3 साल के बच्चे जब 4 साल के होंगे तो मैं देख रहा हूं क्या चेंजेस आ रहे हैं, 4 साल के बच्चे को ये ग्रुप, जब 5 साल का होगा मैं स्टडी कर रहा हूं, 5 से 6 साल का होगा मैं स्टडी कर रहा हूं, 6 से 7 साल का होगा मैं स्टडी कर रहा हूं। तो इस तरह से मैं यहां पर आपकी क्या निकाल दूंगा, रिजल्ट्स, यदि बच्चे की डेवलपमेंट इस तरह से होती है, 3 साल में बच्चा ये करता है, 4 साल में ये करता है, 5 में ये 6 में 7 में। अब देखो मेरे को कितना टाइम लग गया, अब इसको करने में मेरे को कितना टाइम लग गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितना साल लगे, 4 ईयर। ये तो मैंने छोटा आपको, ये हमने छोटी एग्जांपल ली, अगर मैंने 10 से लेकर 50 करना हो तो मेरे को कितने साल लगेंगे, 40 साल। तो देखो पहले कितना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसके कारण इसको क्या कहना शुरू कर दिया, लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टडी। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज ऑल्सो नोन एज, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को आप और किस नाम से जान सकते हैं, तो आपको क्या बोलोगे उसे, लॉन्ग टर्म स्टडी। लॉन्ग टर्म स्टडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफी लंबा समय लग रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो अभी ये तो हो गया, चलो इसके मेरिट्स के, इस तरह से हुआ और इस तरह से हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बच्चे को प्रोवाइड हो सकती है। अभी इसके डीमेरिट्स की बात करो, अभी इसके नेगेटिव पॉइंट देखो। देखो पहला नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, टाइम बहुत लग रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, मान लो कुछ भी, अगर हम देखो रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम क्रिटिकली सोच रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को सोचेंगे। मान लो कि यहां पर आकर ये ग्रुप की डेथ होगी पूरे के पूरे, मेरी स्टडी खराब होगी, शुरू करना पड़ेगा। दूसरा मान लो यहां पर आकर बच्चे ने मेरे को गलत इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी कि मैं सर को क्यों बताऊं मेरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं सर को क्यों बताऊं कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तो मेरे को गलत इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, तो मेरी रिसर्च खराब हो जाएगी।
मान लो बच्चा आज आपके यहाँ पर जहां पर आप रहते हो वहां पर वो रहता है, मान लो वो माइग्रेट कर गए, कहीं और रहना शुरू कर दिया, कहीं दूर शिफ्ट कर गए, तो आप क्या करोगे? फिर रिसर्च में प्रॉपर रिसर्च कर नहीं पाऊंगा, प्रॉपर उसका डाटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी मेरे को प्रॉब्लम है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया? क्रॉस सेक्शनल मेथड। कौन सा मेथड यूज किया उन्होंने? क्रॉस सेक्शनल मेथड। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रेंड्स या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा नया ट्रेंड चलाया गया, तो उसका नाम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल ट्रेंड या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखो अभी समझो इसके, अभी मान लो मैं इसी पर क्रॉस सेक्शनल स्टडी लगा रहा हूं, तो क्या होगा? हम चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। देखो अभी मैं बात कर रहा हूं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, मैंने 3 से लेकर 7 साल के बच्चों की स्टडी कर ली, और मेथड कौन सा लगाना है मैंने? क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने ग्रुप लिया, एक 3 साल के बच्चे का ग्रुप, एक 4 साल के बच्चे का ग्रुप, एक 5 साल के बच्चे का ग्रुप, 6 साल के बच्चे का ग्रुप, एक 7 साल के, मतलब इसमें सारे 3 साल के हैं, इसमें सारे 4 साल के हैं, इसमें सारे 5 साल के हैं, इसमें 6 साल के और इसमें 7 साल के। क्लियर? तो देखो अभी मैं उन पर रिसर्च कर रहा हूं, अभी मेरे को कितने साल लगेंगे? तो कितने साल लगेंगे? अभी 1 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 साल बाद ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा और ये 8 का। मेरे को 8 तक मिल गया, क्लियर? मेरे को 8 तक मिल गया, इसमें ये बच्चे 8 के हो जाएंगे। तो मेरे को प्रॉपर डाटा, मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा कि अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप अलग अलग है पर टाइम सेम है, तो इसका संबंध किससे है? तो किससे होगा? क्रॉस सेक्शनल से होगा। क्लियर? तो इसमें क्या है कि मेरे को देखो पहला मेरा जो है टाइम बच गया, तो इसके लिए टाइम बचने के कारण इसको क्या कहना शुरू कर दिया? शॉर्ट टर्म स्टडी। इसे क्या कहना शुरू कर दिया? शॉर्ट टर्म स्टडी, मतलब कम समय में हमारी ये रिसर्च हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम देखो, अभी मान लो ये बच्चे मेरे माइग्रेट कर गए, तो कोई बात नहीं, मेरा ये ग्रुप आएगा, मैं स्टडी कर लूंगा। मान लो इस ग्रुप की डेथ होगी, कोई बात नहीं, ये मेरा ग्रुप यहां पर आएगा, मैं स्टडी कर लूंगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में थी, वो सारी प्रॉब्लम मैंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी के द्वारा अपनी सॉर्ट आउट कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम समझते हैं फॉलोअप सर्वे। नेक्स्ट देखो फॉलोअप सर्वे, फॉलोअप सर्विसेज भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की तरह ही है, पर देखो लॉन्गिट्यूडनल में हम क्या कर रहे थे? 7 साल का डाटा कलेक्ट कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि बच्चे को ट्रीटमेंट दिया और एंड में उसका रिजल्ट चेक कर रहे हैं। हमने बच्चे को फॉलोअप सर्विसेज में ट्रीटमेंट दिया और उसका एंड में रिजल्ट चेक कर रहे हैं, एंड में रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? फॉलोअप सर्विसेज। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम देखो अभी बात कर रहे हैं ट्रेंड स्टडी। देखो ट्रेंड क्या है कि आज के समय में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसमें देखो क्या है, बेसिकली ध्यान से समझना, कीवर्ड समझ लेना इसमें, कि ट्रेंड स्टडी में क्या है कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको फ्यूचर पर इंप्लीमेंट कर देखा जाता है। ट्रेंड स्टडी में क्या है कि जो प्रेजेंट पर हो रहा, प्रेजेंट में हो रहा है, वो उसका उसको फ्यूचर से प्रिडिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये वोटिंग से पहले वो पोल होता है ना, कि वो चेक करते हैं कि जी पंजाब में ये जीत रहे हैं, यूपी में ये वाली पार्टी आगे जा रही है, बिहार में ये पार्टी आगे जा रही है, मतलब वो सारी क्या है? ट्रेंड स्टडी। मतलब जो प्रेजेंट में लोगों के व्यूज है, जो सिनेरियो बना हुआ है, उसको आने वाले समय में क्या होगा, कौन सी सरकार बनेगी, उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ट्रेंड स्टडी। एक बार दोबारा समझो बात, एक और देखो, फॉलोअप सर्विस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की तरह है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम लगातार उसका ट्रीटमेंट, उसको केस लिया, उसको साथ में ट्रीटमेंट दे लिया और उसमें रिव्यू ले रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, कोई ना कोई केस लिया, उसको ट्रीटमेंट दिया और रिजल्ट देख रहे हैं। ये क्या है? फॉलोअप सर्विसेज। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ट्रेंड स्टडी मतलब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सिलेबस में है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट अभी आपके पेपर में है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च।
देखो पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च जिसको हमने तीन पार्ट में बांटा है, फंडामेंटल फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि फंडामेंटल रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है और एक्शन रिसर्च क्या है। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च जो है वो भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो इसमें क्या है, कोई न्यू थ्योरी, फिर ध्यान से समझना कीवर्ड्स, कोई न्यू थ्योरी। देखो अब आपको, आप कहोगे सर आपने क्वांटिटेटिव में भी, ये क्वालिटेटिव में भी कहा न्यू थ्योरी, आपने बात की फंडामेंटल, ये भी तो वो सभी वही है ना, हमने जस्ट उनको डिवाइडेशन किया है अलग अलग पार्ट्स में, हमने उनको डिवाइड किया, पहले साइंटिफिक में बात कर दी, पहले उनको साइंटिफिक के पार्ट में बांट दिया, अब इसको टाइप्स ऑफ रिसर्च के पार्ट में बांट रहे हैं, मतलब बात लगभग सेम है, बस चीज को समझना है क्योंकि आपका क्वेश्चन पता नहीं किस फॉर्म में पूछ रही। तभी देखो मैं एक बात बोलता हूं कि जो रिसर्च है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है या फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, आप उसको ये नहीं मान सकते कि जो हमने एग्जैक्ट लिखवा दिया बस वही आएगा, बात वही होगी पर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आप पर होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, तब वहां पर बात को क्या समझ रहा है, तब आपको क्या होगा, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है वो आप पर निर्भर करेगा। हम आपको सिर्फ डाटा कलेक्ट, आपको सिर्फ डाटा दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको समझना आपसे है। कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है, या आपके वो जो लेक्चर्स हैं लेक्चर के दौरान भी आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर कर दूंगा, क्लियर। तो फंडामेंटल रिसर्च में कोई नई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं उसमें हमें किसकी बात करेंगे, फंडामेंटल रिसर्च। देखो इसमें ये कोई ये नहीं होता कि हम कोई प्रॉब्लम, ये याद रखना यह क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि वो कौन सी रिसर्च है जो जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अगर क्वेश्चन आया वो कौन सी रिसर्च है जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है तो वो कौन सी होगी, फंडामेंटल रिसर्च होगी। कौन सी होगी, फंडामेंटल, मतलब देखो एग्जांपल देता हूं, न्यूटन ने एक सेब गिरता देखा, एग्जांपल समझो, न्यूटन ने देखा कि एक सेब गिर रहा है, तो उसने उससे अपना एक, एक उन्होंने थ्योरी डेवलप कर दी, न्यूटन का लॉ दे दिया उन्होंने, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी ब्रेक भी लग सकती है, कार की ब्रेक भी लग सकती है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने ये कोई प्रॉब्लम मानकर नहीं, उन्होंने जस्ट देखा, उनके दिमाग में कोई कंसेप्ट आया, उन्होंने थ्योरी को डेवलप कर दिया। और एग्जांपल समझ लो, पेवलम ने एग्जांपल किया, आपने थ्योरी पढ़ी होगी पेवलम की, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, डॉग पर किया, उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उस अप्लाई करेगा। अब देखो जो पेवलम है वो तो क्या था, एनिमल्स का डॉक्टर था, सॉरी पेवलम है वो एनिमल्स का डॉक्टर था, साइकोलॉजिस्ट थोड़ा था, ठीक है, पर उसकी थ्योरी को यूज कहां पर किया जाता है, साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। तो समझ रहे मेरी बात को, कि फंडामेंटल के मतलब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि प्रॉब्लम आई उसके बाद मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे सामने कोई दिक्कत आई उसके बाद मैं कोई नई थ्योरी डेवलप कर रहा हूं उस दिक्कत को खत्म करने के लिए, नहीं, इसमें क्या है फंडामेंटल में कि मैं कोई बस नई, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, मैंने कुछ देखा, कोई आइडिया मेरे दिमाग में आया, उसको मैंने सोचकर मैंने कोई नई थ्योरी डेवलप कर दी, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज, ये जो थ्योरी होती है ना फंडामेंटल रिसर्च की, ये बहुत ही कोई टेक्निकल लैंग्वेज में ये बात, ये थ्योरीज लिखी जाती हैं। क्लियर, होप सो आपको फंडामेंटल रिसर्च प्रॉपरली समझ आ गया होगा, इसको बेसिक रिसर्च ही बोलते हैं, प्योर रिसर्च ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो जो प्याजे, जिसकी आपने थ्योरी पढ़ी होगी साइकोलॉजी में, आपके यूनिट यूनिट थ्री में आपने पढ़ा होगा कि जो प्याजे है उसकी जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, वो फंडामेंटल रिसर्च है, कौन सी रिसर्च है उसमें, फंडामेंटल रिसर्च। उसने कोई ये मानकर नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है, उसके सामने कुछ आया, उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने उस पर थ्योरी डेवलप कर दी। सेकंड, अब समझते हैं, देखो हम सेकंड क्या है, अप्लाइड। अप्लाइड में हम क्या करेंगे कि जो थ्योरी बन गई, जो थ्योरी बनी हुई है उसे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट कर देंगे, उसको क्या करेंगे प्रैक्टिकल फॉर्म में हम इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये अप्लाइड रिसर्च तभी होगी, ये यहां पर क्या है सॉल्यूशन, पहले हमने बोला था ना ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है, और अप्लाइड रिसर्च क्या है सॉल्यूशन, अगर आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड कौन सी रिसर्च है तो क्या आंसर आएगा आपका अप्लाइड रिसर्च, अगर आपको क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल बेस्ड कौन सी रिसर्च है तो आपका आंसर क्या आ सकता है अप्लाइड रिसर्च, ठीक। इसमें कौन सा डाटा होता है सेकेंडरी, इसमें क्या होता है इसमें आपको वर्ड आ सकता है एडिंग नॉलेज, एडिंग नॉलेज इन सेकेंडरी, नॉलेज इज सेकेंडरी इज सेकेंडरी, मतलब इसमें हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, किसी ने थ्योरी बना दी किसी पर इंप्लीमेंट कर, देखो एग्जांपल समझाता हूं, जैसे आप ना थ्योरी में आप पढ़ते होगे कि सबसे पहले आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया तो आप स्टर्न का नाम समझते हैं, अगर वर्ड आ जाता है कि सबसे पहले आईक्यू को डेवलप किसने किया या इंप्लीमेंट किसने किया तो वो क्या आता है टर्मन। अब फॉर्मूला दिया फंडामेंटल रिसर्च, उसने फॉर्मूला दे दिया उसने कुछ नया बना दिया फंडामेंटल रिसर्च, उसको अप्लाई कर दिया वो क्या मेरी बन जाएगी अप्लाइड रिसर्च बन जाएगी, मतलब जो था उसको मैंने प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई किया कि बच्चों पर अप्लाई हो रहा है या नहीं, इसमें हर चीज को हम क्या करते हैं अप्लाई करके देखा जाता है। बच्चे लाइक करते रहो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करते रहो, इससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलती है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करते रहो ताकि मैं आपके उस क्वेश्चंस के जो आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उसका मैं जवाब दे सकूं, क्लियर। हम एक डाउट सेशन भी रख लेंगे एक दिन, हम कोई डाउट सेशन लाइव रख लेंगे जिसमें आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताना, मैं उसका एक एक करके आपको सोल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक्शन रिसर्च में एक बात ध्यान रखना, इसमें इतना वर्ड बच्चे बोलते हैं जहां पर इमीडिएट वर्ड आ जाएगा उसका संबंध एक्शन रिसर्च है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। इमीडिएट रिसर्च इमीडिएट सॉल्यूशन यहां पर भी है, अप्लाइड में भी हम बोल सकते हैं इमीडिएट सॉल्यूशन, एकदम से हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं क्योंकि यहां पर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर आएगा इमीडिएट सॉल्यूशन इन स्कूल लेवल इन लोकल लेवल तो हम बात क्या करेंगे एक्शन रिसर्च की बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं एक्शन रिसर्च की, पहली। दूसरी बात एक्शन रिसर्च होता क्या है, एक्शन रिसर्च होता क्या है, एक्शन रिसर्च में क्या है जिसको प्रॉब्लम जो पर्सन है जिसको प्रॉब्लम आई वही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे, इसमें क्या है कि जिसको प्रॉब्लम आई वही पर्सन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा, कोई दूसरा नहीं कर रहा, जरूरी नहीं कि आपकी कोई थ्योरी डेवलप हुई हुई है उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप मेरे को प्रॉब्लम आई मैं आपको बढ़ा रहा हूं, क्लियर। पढ़ाते टाइम मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन भी मैं ही निकालूंगा, वो मेरी क्या होगी एक्शन रिसर्च होगी, मतलब मैंने सोल्यूशन निकाला। सेकंड, इसमें कई बच्चे सोचते हैं कि एक्शन रिसर्च इंडिविजुअलाइज्ड होती है, मतलब सिर्फ एक पर्सन ही खुद पर्सन ही जो है कर सकता है, गलत। एक्शन रिसर्च इंडिविजुअल भी हो सकती है, एक्शन रिसर्च इंडिविजुअल भी हो सकती है और कोलैबोरेटिव भी हो सकती है। इसमें देखो इंडिविजुअल कैसे होगी, मेरे को प्रॉब्लम आई मेरे को सोल्यूशन निकाल दिया, कोलैबोरेटिव मतलब अगर मेरी संस्था सिर्फ छोटे लेवल पर लोकल लेवल पर बड़े लेवल पर नहीं बात कर रहा, नेशनल लेवल की नहीं बात कर रहा, मैं कोई स्कूल चला रहा हूं स्कूल में मेरे को स्कूल में कोई फंडिंग की प्रॉब्लम आई तो जो सारा स्टाफ है वो मिलकर अगर रिसर्च कर रहा है तो वो भी क्या सोल्यूशन निकाल रहा है तो वो भी क्या है एक्शन रिसर्च है। तो ये क्या है इंडिविजुअल भी है और कोलैबोरेटिव मतलब मिलकर भी हम इसमें काम कर सकते हैं, इसमें इमीडिएट सॉल्यूशन होगा पर लोकल लेवल पर, किस लेवल पर लोकल लेवल होगा या स्मॉल लेवल होगा, ठीक। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने टीचिंग के मेथड सीखे, मैंने मेरे टीचर ने सिखाया कि टीचिंग कैसे कैसे होती है, वो पहले किसी ने कोई थ्योरी बनाई मेरे को अप्लाई कर दिया मैंने उनको सिखा दी, अब जब मैं उसको अप्लाई कर रहा था क्लासरूम में तो मेरे को इन बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था, तो साथ ही साथ मैंने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर दिए जिससे बच्चों को समझ आना शुरू हो गया। दैट मीन मैं किसकी बात कर रहा हूं एक्शन रिसर्च की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहे हैं हम एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। आपको होप सो आपको समझ आ गया होगा फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च।
नेक्स्ट देखो अभी ना ये तो हमने समझा फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड और एक्शन। एक आपको पेपर में क्वेश्चन आता हुआ है होता है कि एक्शन रिसर्च का सर्कल क्या है, साइकिल क्या है, क्या साइकिल है एक्शन रिसर्च का, प्लीज समझो। आपको पेपर में काफी बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में। कैसे साइकिल चलता है देखो, सबसे पहले क्या है स्टेप वन एक्ट, स्टेप वन सॉरी प्लान, स्टेप टू एक्ट, स्टेप थ्री ऑब्जर्वेशन, स्टेप फोर, स्टेप फोर क्या है रिफ्लेक्शन। स्टेप फोर क्या है रिफ्लेक्शन। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ जी, पहले प्लान एक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्ट। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने कोई प्लान किया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कोई प्लान कर रहे हैं, मतलब डायग्नोज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उस पर पहले हमने कोई सबसे पहले हमने कोई प्रॉब्लम ली, उसको हम उसको किया डायग्नोज किया, फिर उस पर प्लान कर रहे हैं प्रॉपरली। प्लान करने के बाद हमने उस पर कुछ ना कुछ मेथड्स कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट किया या कोरिलेट किया, उसके बाद हमने उसको क्या किया ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कर हमने क्या किया उसके रिजल्ट्स निकाले, ऑब्जर्व मतलब एवैल्यूएशन किया, उसके बाद जो रिजल्ट निकाले उस पर हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ देखो पी ए ओ आर, याद रखना पी ए ओ आर से याद रखना, पी पर प्लान फर्स्ट, फिर एक्ट, फिर क्या ऑब्जर्वेशन, फिर रिफ्लेक्ट, याद रखना प्लीज। इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट देखो अभी हम नेक्स्ट समझ रहे हैं, नेक्स्ट आपके सिलेबस में है नेक्स्ट आपके सिलेबस में क्या है, नेक्स्ट है आपके पास अप्रोचेस, अप्रोचेस टू एजुकेशन रिसर्च। अप्रोचेस एजुकेशन रिसर्च जिसमें इन्होंने दो पार्ट में बांटा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अभी देखो हमने पहले बात की थी ना किसकी की बात, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी किस संबंधित है, किससे संबंधित है क्वालिटेटिव से, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी से क्या संबंधित है एक्सप्लोरेटरी क्वांटिटेटिव में से संबंधित है, ठीक। उसमें क्वांटिटी की बात करते हैं, इसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं। देखो सबसे पहले आप समझो कि हम क्वालिटी क्या, क्वालिटी में क्या होगा, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्वालिटी में क्या होगा अनस्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर, या सेमी स्ट्रक्चर, ये की पॉइंट समझ लेना, केस या तो अनस्ट्रक्चर्ड होगा या जहां सेमी स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या है क्वालिटी की बात की जाएगी, इसमें किसकी बात की जाएगी क्वालिटी की बात की जाएगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, किसकी बात होगी फ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी। नेक्स्ट स्मॉल डाटा, याद रखना स्मॉल सैंपल, सैंपल इसमें क्या होगा हमारा स्मॉल होगा, ठीक। इसमें और क्या आ सकता है आप, क्यों कोई न्यू आइडियाज डेवलप हो सकते हैं, हमने बात की थी ना पहले, न्यू आइडियाज पर डिपेंड डेवलप हो सकते हैं, ठीक, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं। इसमें डाटा कलेक्ट होगा, डाटा कलेक्ट होगा, डाटा कलेक्शन होगी पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे, एग्जैक्ट स्कोर नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कि हमें एग्जैक्ट डाटा जो मिल जाएगा इसे हम क्या कर सकेंगे अवेल्युएट कर पाएंगे, मेजर नहीं कर सकेंगे, अवेल्युएट हम इसमें कर लेंगे कि क्या चीज है और क्या नहीं है, क्लियर। इसमें वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होंगे इसमें, सबसे ज्यादा वेरिएबल किसमें पाए जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होगा जिसे हम क्या करेंगे मेजर करेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, जिसे हम क्या कर पाएंगे मेजरेबल, मतलब हमें एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, उसे क्या कर रहे थे अवेल्युएट कर रहे थे। इसमें स्ट्रक्चर होगा, ये
ये डाटा क्या होगा स्ट्रक्चर, ये क्या था अनस्ट्रक्चर्ड था, ये क्या होगा स्ट्रक्चर होगा ठीक। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा, इसमें क्वांटिटी को देखा जाएगा, मतलब डाटा ओपिनियन एग्जैक्ट आएगा बच्चे का, कोई भी हम ले रहे हैं न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में हम डाटा को अवेल्यू करें। मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है, हमारे सर्वे, हमने कुछ कोई सर्वे है, कोई पोलिंग की है, कोई क्वेश्चन आंसर है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सारा क्वांटिटेटिव डाटा में हम ऐड कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव में हमने क्या क्या बातें थी, क्वालिटेटिव में क्या क्या था, केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, कोई कोई रिसर्च है, कोई प्रॉब्लम है ठीक, तो वो सारा किससे संबंधित हो सकता है हमारा क्वालिटेटिव डाटा से। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात बहुत बार पहले कर ली है, क्लियर। देखो अभी हम बात कर रहे हैं, आपके पेपर में है डिजाइन इन एजुकेशनल रिसर्च। चलो अभी डिजाइन के बारे में समझते हैं, पहले आप एक डिजाइन का चार्ट ना लो, होप सो आपको डिजाइन के चार्ट से ही काफी समझ आ जाएगा कि डिजाइन है क्या, और आप हमारा जो यूनिट है यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट सिक्स का सॉरी पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप पहले एक एक प्रॉपर ना एक बना लो, चार्ट बना लो फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले थोड़ा बताते हैं साथ में, रिसर्च डिजाइन को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव, सेकंड एक्सपेरिमेंटल एंड थर्ड हिस्टोरिकल। डिस्क्रिप्टिव में तो हम नॉन एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्राइब करते हैं जो पास्ट में हुआ उसको, प्रेजेंट पर एज इट इज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे डिस्क्राइब करते हैं। एक्सपेरिमेंटल को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी हिस्टोरिकल में हम इसमें बिब्लियोग्राफी, लीगल रिसर्च और स्टडी ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। और अब प्री एक्सपेरिमेंटल को और तीन पार्ट्स में बांटते हैं, वन शॉट मतलब एक ही एक बार से ही हम रिसर्च करें, सेकंड वन ग्रुप, प्री टू
प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मतलब एक ग्रुप है पहले उसको पहले टेस्ट दे रहे हैं फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर पोस्ट टेस्ट दे रहे हैं। फिर स्टैटिक्स ग्रुप कंट्रोल मतलब स्टैटिक्स के हमें ग्रुप को कंट्रोल किया हुआ है मतलब उसको प्रॉपर हमने प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दे दिया है उसकी रिसर्च कर रहे हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंट में हम बात कर रहे हैं प्री पोस्ट टेस्ट मतलब सिर्फ बाद में टेस्ट ले रहे हैं कंट्रोल ग्रुप जिसको हमने कंट्रोल किया है। नेक्स्ट देखो बस इसको ये पहले चार समझ लो कल हम इसको प्रॉपर डिटेल में दोबारा समझ लेंगे। देखो सबसे पहले मैंने बात की हमको हमने समझ लिया था एक्सपेरिमेंटल को प्री एक्सपेरिमेंटल मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रू एक्सपेरिमेंटल पोस्ट टेस्ट या कंट्रोल करते हैं प्री टेस्ट फिर पोस्ट टेस्ट लेते हैं दोनों किस पर कंट्रोल ग्रुप पर फिर सोलोमन का जो ग्रुप बना हुआ है पहले टेस्ट फिर प्री इस तरह से चार टेस्ट बने हुए हैं सोलोमन के वो लेते हैं। और क्वासी में हम आर्टिफिशियल एनवायरमेंट की बात करते हैं जिसे प्रॉपर कंट्रोल ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। तो आज हमने जो है लगभग यूनिट वन सारा कंप्लीट कर लिया है। कोई इसको अगर एक्सप्लेनेशन की आप बोलोगे तो मैं इसे एक्सप्लेन भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। प्लीज लाइक करें हमारे, अगर आपको हमारा जो लेक्चर है पसंद आया हो तो लाइक करें क्योंकि देखो इससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कि उसको ठीक पढ़ा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को साथ साथ कमेंट में बताते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।